मैटर ऐसा हुआ है कि जो सतीश है ना अर्जुन का लड़का इंसान बात कर, वो मुझसे आज 2016 ही से 16-17 से मुझसे उसका दोस्ती था, ठीक है, उससे मेरा दोस्ती था, तो उन्होंने मुझसे दोस्ती किया, हमारा ऐसा दोस्ती हुआ कि हम ऐसे करते हैं, हम बोले कि जैसे दोस्त रहते हैं स्कूल के लड़के रहते हैं, स्कूल के फ्रेंड रहते हैं, ऐसे हम दोनों जहाँ रहा जाए, तो मेरे साथ जबरदस्ती मुझे बोला कि आप अच्छी लग रहे हो डांस करते, आप अच्छी लग रही हो, तो मेरे साथ क्या किया, मतलब गलत व्यवहार कर दिया, करने को हो जाए, फिर मुझे बोला कि आपको मैं औरत बना के रखना चाहता हूँ, फिर बोली ऐसा मत करो भैया, कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, उसके बाद मुझे बना कर रखा, रखने के बाद फिर क्या हुआ कि मुझसे पैसे वगैरह सब कुछ लेता था, उसके घर वाले में कोई दिक्कत होता था मेरे पास से पैसा जाता था, ठीक है, फिर वो बोला कि मैं तुझे औरत ही बना के रखा हूँ, औरत ही बना के रखा हूँ, कोई बात नहीं, शादी के बाद अभी मुझे गया, बोला कि तू लड़की जेंट्स है, तू लड़की का करवा ले, और मैं तुझे मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे मेरे पास ना पैसा ना कुछ, मैं जानती भी नहीं कहाँ क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ए मेरा सब मतलब जो हुआ जीवन वाला जान बनवा दिया, लेकिन मुझे गया हॉस्पिटल, पता नहीं कहाँ हॉस्पिटल था, लेकिन हॉस्पिटल गया, मेरा सर्जरी करवा दिया, करवाने के बाद बोला कि मैं तुझे कभी दगा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं, एक छोटा मेरा घर वाले भी छोड़ जाएंगे पर तुझे नहीं छोड़ सकता, ठीक है, आज जब ये सब करवा दिया, करवा के मुझे छोड़ दिया, बोलता हूँ तुझे जानता ही नहीं, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके घर में बात करते हैं, बोलता मेरे लड़के पास फोन मत करो, तुम अगर मेरे घर पे आओगे तो हम तुझे जान से मार देंगे, इसके चाचा ने इसके पापा ने जान से मुझे मारने का धमकी दे रहा है, और जब तक पैसा पाते थे, जब भर सब लोग किसी आ गए थे, आती थी जाती थी, सब लोग जानते थे, ठीक है, आपके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध बनाया था मुझे बोला कि आपको मैं औरत बना के रखना चाहता हूँ, ठीक है, आप ऐसे से कर लो, पहले मैं सब व्यवहार कर चुका था गलत का, जबरदस्ती फिर बोला कि आप ऐसे से कर लो, हाँ मैं आपको औरत बना के रखूँ, दुनिया छोड़ जाएगा, मेरे औरत छोड़ जाएगी, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, तो मैंने विश्वास नहीं किया, ठीक है आप ऐसे कहते हो, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे लेके गया, ठीक है, उसने में मुझे पता नहीं क्या हो गया, क्या एक लॉन्ग लाया, वहाँ से लॉन्ग मिला दिया, क्या हुआ इस मामले की आपने कहीं शिकायत किया? नहीं, आने की शिकायत, क्या चाहती हो आप? बस ये तो भैया, वो तो मुझे जैसा बोल रहा था, या मुझे अपने घर पे रख के नहीं रख रहा है, तो जैसे मेरी जिंदगी थी वैसे करवा दे भैया, और मेरा जो पैसा लिया है 4-5 लाख रुपए, मेरा पैसा वापस कर दे, बस भैया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, घर का नाम राहुल है। कहाँ के रहने वाली हो? चकलाई रोशन। अच्छा, और वो लड़का कहाँ का रहने वाला है? इस्लामाबाद का। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम असला नाम संतोष है, गांव में और सतीश कहते हैं, उसका पिता का नाम अर्जुन विश्वकर्मा। युवक और युवतियों के बीच की प्रेम कहानी और उसमें मिले धोखे की कहानी तो आपने खूब सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन आज हम यूपी के कौशाम्बी जिले की एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसमें युवक युवती नहीं बल्कि युवक और युवक की प्रेम कहानी है। एक डांसर जो नौटंकी ऑर्केस्ट्रा में नाच गाकर अपना घर चला रहा था, उसकी मुलाकात सन 2016 में एक युवक से होती है। वह युवक कार्यक्रम देखने के बाद उस डांसर की तारीफ करता है और उसका फैन कहने की बात कहता है और उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा देता है। डांसर भी बिना देरी किए हुए उसके दोस्ती के हाथ को थाम लेता है। इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत 2016 से हुई, देखते ही देखते दोनों साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगे। दोनों की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो गई कि अब डांसर ने अपने प्रेमी के कहने पर लिंग परिवर्तन तक के लिए तैयार हो गया और उसने अस्पताल में जाकर सर्जरी करा ली। अभी वह अस्पताल से ठीक होकर घर भी नहीं आया था कि अब प्रेमी का मूड बदल गया और उसने उसे अस्पताल से छोड़कर घर चला आया। जब डांसर किसी तरह अपने घर आई तो वह उसने संपर्क करने का प्रयास किया तो युवक ने उससे साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि अब युवक के परिजन उसे धमकियां दे देते। अब डांसर ने कौशाम्बी थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्यार में मिले धोखे के बाद वह दर दर भटक रहा है। उसने अपना नाम तक लड़कियों के नाम के हिसाब से रख लिया था और दोनों दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए कस्में खा रखी, लेकिन
प्यार में मिले धोखे के बाद अब वह पुलिस की चौखट तक पहुंच गया है और न्याय की गुहार लगा रहा है। कौशाम्बी पुलिस ने उसकी प्रार्थना पत्र लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। भारत 24 के लिए कौशाम्बी से अमन त्रिपाठी।